दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की असलियत अक्सर में क्या है? असलियत असल में यह है कि लोगों को बताया जाते हैं कि डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचने की एक तरीका है ये, जिसके तहत बीच में CNF डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेल मार्जिन जो देने वाला था वो घट जाते हैं और ये बेनिफिट कस्टमर को मिलते हैं। अगर ऐसा ही है तो प्रोडक्ट की प्राइस कम होनी चाहिए। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की प्रोडक्ट आपको बाजार में उपलब्ध दूसरा प्रोडक्ट से कम दाम में मिलते हैं? शायद नहीं। आज के तारीख में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मतलब एक पक्का सेल्समैन की बिजनेस, 10 रुपया की प्रोडक्ट 100 रुपया में बेचने की तरीका, किसी को जरूरत ना हुआ प्रोडक्ट भी थमा देने की तरीका। सोच के देखिए, यही सच है या नहीं? 500 की सूट लेंथ 5000 में बेचते हैं, 50 रुपया की तेल 500 में, 20 की साबुन 100 में। क्या आपको लगता है कि ये सही है? रियल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रोडक्ट की कीमत बाजार में मिलने वाली कंपटीटर ब्रांड से कम होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को अपने बजट प्लानिंग में समस्या ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं अभी का MLM बिजनेस के ट्रेंड के बारे में। आजकल हमारे बीच में MLM के नए नए जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आपको लगता है कि फ्रॉड है, मनी रोटेशन है, लोगों के पैसा डूब जाएंगे? अगर आपको ऐसे लगता है तो शायद आप सही हो। पर क्या आप सोचे हो कि लाखों लोग यहाँ से रोजगार कर रहे हैं? कंपनी की अगर वजूद ना हो, ओनर का भी कुछ अता पता नहीं, कमिटमेंट ठीक नहीं, पे आउट समय पे नहीं, तब सोचने की बात है। और नहीं तो अच्छी कंसेप्ट हो तो आज नहीं तो कल ये कंसेप्ट भी कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा अप्रूव हो ही जाएंगे, क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट करना ही है। जो भी कंपनी आज कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा अप्रूव्ड है वो भी एक समय पे नहीं थे, लोग शक के नजर से उस कंपनी को भी देखते थे। ऐसे ही समय समय पे नए नए कंसेप्ट आते रहेंगे, कुछ फ्रॉड भी रहेंगे, पर पहचान तो आपको ही करना होगा। अच्छी और सही पहचान कर सके तो शायद आने वाले दिनों के लिए अब अच्छी तैयारी में है, एक अच्छी लीडर के तौर पे उभर आएंगे। एक अच्छी MLM लीडर मतलब देश के कोने कोने पर MLM बिजनेस करने वाले लोग आपको पहचाने, आपके साथ जुड़ने चाहे। आपके सर्विस, आपके कैरिंग नेचर, आपके कैरेक्टर, आपके एथिक्स, आपके एनर्जी, आपके एटीट्यूड का दीवाना हो। आप भी एक ऐसी लीडर के साथ जुड़िए जिनके साथ काम करने में मजा आ जाए, जो कि आपके फोन कॉल रिसीव करे, आपसे ना भागे। अक्सर ऑनलाइन MLM मार्केटिंग में बाइनरी बेनिफिट के लिए पावर लाइन के चक्कर में अच्छी लीडर चुनना भूल जाते हैं लोग। दोस्तों, आपकी प्रायोरिटी एक अच्छी लीडर के साथ जुड़ के काम करना होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हो तो पावर लाइन की बिजनेस तो ऐसे ही मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के जरिए समय समय पर कुछ अच्छी कॉन्सेप्ट के बारे में बताते रहूंगा, जिसके बारे में हर साइड से स्टडी करके ही आपके सामने लाऊंगा, और उसमें अगर मैं खुद काम करता हूँ वो भी बताऊंगा। आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो मेरे हमेशा यही कोशिश रहेगा कि आपको सारी सर्विसेज मिले। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लोग बिना समझे किसी भी MLM कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी ना जान ना पहचान किसी भी यूट्यूबर के कहने पर? नहीं दोस्तों, आज के तारीख पर ऐसी टेक्नोलॉजी के जमाने में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऐसे ही थोड़ी ना करते हैं कोई, कुछ तो देख के ही करते हैं। जब आपके सामने बहुत सारी कंपनी फ्रॉड निकले है, फिर भी लोग नए कंसेप्ट को अपनाते हैं, कुछ तो बात है यहाँ, कमाते तो है लोग, इसीलिए ही तो लोग जुड़ते हैं। अब इस जॉब क्राइसिस के जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज ही नेक्स्ट जेनरेशन को सक्षम बनाएंगे, और कोई उपाय नहीं। सरकार भी इस पे ध्यान दे रहे है, स्कूल कॉलेजेस में भी नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा शुरू किया जा रहा है, ताकि आने वाले पीढ़ी अपने आप में सक्षम हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि YouTube से ही MLM के बड़ी टीम बन सकते हैं? नहीं दोस्तों, आज की तारीख में MLM की बड़ी बड़ी लीडर्स बिना YouTube से ही लाखों लोगों की टीम बनाने की हैसियत रखता है, और मैं भी ऐसे ही कुछ लीडर्स के साथ हमेशा बातचीत करते रहता हूँ, क्योंकि उनके तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि उन सब लीडर्स भी हम जैसे यूट्यूबर्स को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। यूट्यूब तो एक जरिया है रास्ता दिखाने की, जिसे अब भरोसा कर सकते हो उसके साथ ही जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। MLM बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत कमाना चाहते हो, तो एक अच्छी लीडर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, जो कि आपको बहुत लंबी सफर तक साथ देंगे, ना कि सिर्फ एक अच्छी कमाई के लिए। कमाई तो कर ही लेंगे, पर एक अच्छी कमाई को सस्टेन करने के लिए एक अच्छी लीडर के साथ होना बहुत जरूरी है। आपको एकेडमिकली सपोर्ट चाहिए होंगे, मेंटली फिजिकली सपोर्ट चाहिए होंगे, आपको टेक्निकली सपोर्ट चाहिए होंगे, और तब ही आप आपकी टीम डेवलप कर सकेंगे। दोस्तों, मेरे हमेशा कोशिश रहेगा कि आपको एक सही रास्ता दिखाऊं, इससे अगर किसी एक का भी तरक्की हो जाए वही पे मेरा खुशी है। तो दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।